हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ेस ऑफ नोज़ के बारे में। ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ेस जो हैं नोज़ में, उनके कॉजेज़ बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और फंगल भी हो सकते हैं, या फिर कुछ अदर कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि ना ही बैक्टीरियल में हैं और ना फंगल में हैं। बैक्टीरियल कॉजेज़ की वजह से जो होने वाले ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ेस हैं वो हैं सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूपस, राइनोस्क्लेरोमा, लेप्रेसी। ल्यूपस जो होता है वो एक इंडोलेंट एंड क्रोनिक फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस का, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है मेन जो फीचर वो है एप्पल जेली नोड्यूल्स। बस आपको इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। देन फंगल कॉजेस में आ रहा है राइनोस्पोरिडियोसिस, एस्परगिलोसिस, म्यूकरमाइकोसिस, कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। ये सारे ही फंगल कॉजेस हैं। इन सब में एक आपको सिमिलैरिटी से दिख रही होगी कि सब में ही SIS दिख रहा है। अदर कॉजेज जो अनस्पेसिफाइड हैं, जो ना ही बैक्टीरियल में हमने डाला और ना ही फंगल में डाला, उनको एक अलग ग्रुप बना दिया। उसमें आते हैं वैग्नस ग्रैनुलोमैटिस, नॉन हीलिंग मिडलाइन ग्रेनुलोमा, सार्कोइडोसिस। अब हमारे लिए इनमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो राइनोस्क्लेरोमा, राइनोस्पोरिडियोसिस एंड म्यूकोरमाइकोसिस है। तो इस वीडियो में मैंने इन्हीं तीनों पे फोकस किया है। सबसे पहले राइनोस्क्लेरोमा। राइनोस्क्लेरोमा जो है उसे हम लोग मिकुलिक्स डिजीज़ और रेस्पिरेटरी स्क्लेरोमा भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि हम ऐसा इसको क्यों कहते हैं। राइनोस्क्लेरोमा जो होता है वो पता है हमें कि ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन। इसकी कॉमन साइट जो होती है वो नोज़ और साइनसिस में होती है, पर ये और भी जगह पे हो सकता है, जैसे कि नोज़ और साइनसिस से पीछे की तरफ नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स और लेरिंग्स। लेरिंग्स में ये पर्टिकुलरली सबग्लॉटिक एरिया को ही कवर करता है। उसके अलावा ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्लैबसिला, राइनोस्क्लेरोमैटिस, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसे हम फ्रिश बेसिलस भी कहते हैं। किसी भी एज में और किसी भी सेक्स में हो सकता है, और ये ज़्यादा कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। अब ओवरऑल हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो कॉमन साइट है वो नोज़ और साइनसिस में होने वाला है, और ऑर्गेनिज्म जो राइनोस्क्लेरोमा के लिए है, ये स्क्लेरोमा वर्ड से आपको याद रहेगा, स्क्लेरोमैटिस। तो क्लैबसिला राइनोस्क्लेरोमैटिस जो होता है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है फ्रिश बैसिलस भी कह सकते हैं हम इसे। अब इसके फीचर्स जो होते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, हम लोगों ने देखा डिजीज़ में तीन स्टेजेस मिली है हमको, एट्रोफिक स्टेज, देन ग्रैनुलोमेटस स्टेज एंड देन सिकेट्रिकल स्टेज। अब एट्रोफिक स्टेज जो होता है वो एट्रोपिक राइनाइटिस जैसा ही रिजेंबल करता है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्रस्टिंग भी होगी और फोल स्मेलिंग पुरलेंट नेजल डिस्चार्ज भी होगा। ग्रैनुलोमेटस स्टेज में ग्रैनुलोमा बनेंगे, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे स्क्लेरोमा नोड्यूल्स बना हुआ है, ये एग्जैक्टली ग्रैनुलोमा है यहाँ पे। और इसी ग्रैनुलोमा में हम लोग जब इसकी बायोप्सी करेंगे या इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें इसके अंदर मिकुलिक सेल्स मिलता है जिसके अंदर से हम बेसिलाई को निकाल सकते हैं। ये एक प्रोलिफरेटिव स्टेज है, क्योंकि जो ग्रैनुलोमा है वो नोज़ के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर कन्फाइन नहीं रह रहा है, ये आगे जाके एक्सटर्नल नोज़ में भी कवर करता है और फिर जो अपर लिप है उस पर भी कवर कर लेगा, तो इसलिए ये प्रोलिफरेटिव होता है। पेनलेस नोड्यूल है इन नेजल म्यूकोसा, मिकोलिक सेल्स यहाँ पे मिलती है, मैंने आपको बता दिया ये। उसके बाद ये जो नोड्यूल्स हैं इनका सब डर्मल इन्फिल्ट्रेशन होता है, दैट मीन्स कि डर्मल रीजन में स्किन के नीचे इसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल नोज पे और अपर लिप पे, और इसकी वजह से जब हम इसे टच करेंगे तो हमें वूडी फील देगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वूडी नोज और हेब्रा नोज भी कह सकते हैं इसे। देन लास्ट स्टेज उससे थर्ड स्टेज होती है सिकेट्रिकल स्टेज। सिकेट्रिकल स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, सिकेट्राइजेशन हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे हीलिंग वाली कंडीशन है, तो जो भी ग्रैनुलोमा और नोड्यूल्स बने हैं उनमें हीलिंग हो रही है, उनमें एडेशन और फाइब्रोसिस होने वाला है, जिसकी वजह से स्टेनोसिस हो जाएगा। स्टेनोसिस कहाँ पे होगा, नोड्यूल्स नोज़ में थे, नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स में भी जा रहे थे, तो वहाँ पे स्टेनोसिस होगा। फर्दर ये अगर सबग्लॉटिक स्टेनोसिस होता है तो ये डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है और डेथ भी इसी वजह से हो सकती है। तो हमने इसमें तीन स्टेजेस पढ़े, एट्रोफिक स्टेज, ग्रैनुलोमेटस स्टेज एंड सिकेट्रिकल स्टेज।
अब मोस्ट कॉमन सिम्टम की बात करें तो पेशेंट हमें प्रेजेंट करेगा विद एक्सेसिव क्रस्टिंग, और कोई मेजर सिम्टम नहीं है पर एक्सेसिव क्रस्टिंग हो रही है, और नीजल इसकी वजह से नीजल डिफॉर्मिटी हो रही है क्योंकि ग्रैनुलोमा फॉर्म हो रहे थे, स्टेनोसिस और फाइब्रोसिस हो रहा था, उसकी वजह से नीजल डिफॉर्मिटी। और सबसे रेयरली हमको यहाँ पे एपिस्टेक्सिस मिलता है, तो आप इस देख रहे होंगे इस गर्ल के अंदर नीजल डिफॉर्मिटी आपको दिख रही होगी। अब इसका डायग्नोसिस हम लोगों को ग्रेन्युलोमेटस स्टेज में होता है। एट्रोफिक स्टेज में यूजुअली हम इतने अच्छे से डायग्नोज नहीं कर सकते इस कंडीशन को। जब हम लोग उस ग्रेन्युलोमास का बायोप्सी लेंगे तो हमें उसमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मिकोलिक सेल्स एंड रिजल्ट बॉडीज मिलेगी। अब जो मिकोलिक सेल्स हैं वो एग्जैक्टली क्या है, एक फोम सेल्स ही होते हैं जिनमें कि सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और उनका वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर ही बेसिलस हमें मिलेगा, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो आपको सेल्स दिख रहे होंगे यही मिकोलिक सेल्स हैं, ये मिकोलिक सेल्स हैं, और इसके अंदर ही हम लोगों को सेंट्रल न्यूक्लियस भी दिख रहा है और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म भी दिख रहा होगा आपको इस सेल्स में दिख रहा होगा आपको। अब रिजल्ट बॉडीज़ क्या होती है, रिजल्ट बॉडीज़ जो होती है वो होमोजीनस इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ होती है जो कि प्लाज्मा सेल्स के अंदर ही मिलती है और प्लाज्मा सेल्स ही से सिक्रीट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे मिकोलिक सेल्स, जो मैंने आपको क्लियर सेल दिखाया था उसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वो मिकोलिक सेल्स होते हैं, और रिजल्ट बॉडीज़ इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, राइनोस्क्लेरोमा का ट्रीटमेंट एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें इसके लिए एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। हम इसका मेडिकली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और सर्जिकली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मेडिकली हम लोग यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन प्रेफर करते हैं जो हम लोगों को लगभग 1 से 1.5 महीने तक देना होता है, और तब तक भी दे सकते हैं जब तक 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स नेगेटिव नहीं आते। 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स का मतलब है लगातार लिए हुए 2 सैंपल्स नेगेटिव नहीं आ जाते। सर्जिकली अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे जो स्टेनोसिस हुआ था उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो सर्जिकल डायलिटेशन कर देंगे सिकेट्रिकल एरियाज का पॉलिथीन ट्यूब से फॉर 6 to 8 वीक्स। दैट मीन्स हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना था 1 से 1.5 महीने तक और सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे थे 1.5 से 2 महीने तक। अब इसमें एक एक्स्ट्रा एज मैं आपको बताना चाहूँगी पॉइंट, इसके डायग्नोसिस के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट है, लेविन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ये राइनोस्क्लेरोमेटिस के लिए हम यूज़ करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के इसके डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और ये इंडिकेट करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी टू बी इंटेक्ट इन दीज पेशेंट। तो आपको बस याद रखना है लेविन टेस्ट जो होता है वो एसोसिएटेड है राइनोस्क्लेरोमेटिस से और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में बताता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि डायग्नोसिस इन द एट्रोफिक स्टेज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये हमें पता ही है, और ग्रैनुलोमेटस और सिकेट्रिजिंग स्टेज में ही हम लोग को डायग्नोसिस सही से मिल सकता है। अब हम पढ़ेंगे राइनोस्पोरिडियोसिस के बारे में, ये एक फंगल इन्फेक्शन है नोज़ का, मेनली ये नोज़ और नोजोफेरिंग्स को ही अफेक्ट करता है, बट ये अदर साइट्स ओरल कैविटी, कंजक्टिव और जेनाइटल एरियाज़ में भी हो सकता है। इसके लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है फिर से हम इसके नाम से ही देखेंगे राइनोस्पोरिडियोसिस, दैट मीन्स कि राइनोस्पोरिडियम सिबेरी की वजह से हो रहा है। ये साउथ इंडिया में कॉमन है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, और एज भी स्पेसिफाइड है यहाँ पे 15 से 40 ईयर्स में। इसका इन्फेक्शन होता कैसे है कि डर्टी पॉन्ड होता है, एनिमल्स और मैन जब सेम पॉन्ड शेयर कर रहे हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाई टेकिंग बाथ इन डर्टी पॉन्ड्स बींग यूज बाय एनिमल्स ऑल्सो। रिसेंट स्टडीज़ ने ये हमको बताया कि एग्जैक्टली ये फंगस नहीं है, ये एक एक्वस प्रोटोजोन है जो कि मीजोमाइसिटिजोआ से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो हम राइनोस्क्लेरोमा से कंपेयर कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। राइनोस्क्लेरोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जबकि राइनोस्पोरिडियोसिस एक फंगल इन्फेक्शन। राइनोस्क्लेरोमा ज़्यादा कॉमन है नॉर्थ इंडिया में और राइनोस्पोरिडियोसिस कॉमन है साउथ इंडिया में। मोस्ट कॉमन साइट्स यहाँ पे भी नोज़ और नेजोफेरिंग्स ही है उसकी तरह, और यहाँ पे जो अदर साइट्स इन्वॉल्व हो रही है वो ओरल कैविटी, कंजक्टिव और जेनाइटल एरियाज हो रही है। मेल्स और फीमेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है,
वहाँ पे एज स्पेसिफिक और सेक्स स्पेसिफिक नहीं था, किसी में भी हो सकता था, जबकि यहाँ राइनोस्पोरिडियोसिस फंगल इन्फेक्शन जो है उसके अंदर मेल्स में ज़्यादा कॉमन है 15 to 40 ईयर्स में। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये लोग ही ज़्यादा केयर टेक कर रहे होंगे उन एनिमल्स का, ये लोग ही एक्टिव ग्रुप हैं इसलिए इनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब फंगस की वजह से ये नहीं होता है, रिसेंट स्टडीज़ ने हमें बताया एक्वस प्रोटोजोअन है, मीजोमाइसिटिजोआ, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका मोस्ट कॉमन फीचर जो हम लोगों को बहुत पूछा जाता है क्या है, मलबरी लाइक मास इन नोज प्लस एपिस्टेक्सिस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में, मलबरी लाइक मास है और एपिस्टेक्सिस भी होता है, उसके अलावा ये कंजक्टिवा को इन्वॉल्व करता है और ओरल कैविटी को भी। क्लिनिकल फीचर्स इसके देखेंगे तो ये जो हमने मलबरी लाइक मास देखा था ये बहुत ही फ्रायबल होता है, मतलब प्लीट करने लग जाता है टच करते ही, जबकि राइनोस्क्लेरोमा में एपिस्टेक्सिस बहुत ही रेयर हमें मिल रहा था, जबकि यहाँ पे एपिस्टेक्सिस बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये जो मास है ये काफ़ी फ्रायबल होता है। उसके बाद ये मलबरी मास जो होती है ये इस पर वाइट वाइट हमें डॉट्स दिखेंगे, वो डॉट्स जो होते हैं स्पोरेंजिया रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फंगस की। मलबरी मास स्टूडेड विथ वाइट डॉट्स रिप्रेजेंटिंग द स्पोरेंजिया, प्लस एपिस्टेक्सिस भी मिलता है हमें यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इजीली ब्लीड कर जाता है टच करने पे। अब डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस हम लोग हिस्ट्री के बेसिस पे कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं उसका विजुअलाइजेशन कैसा है और बायोप्सी ले सकते हैं। डायग्नोसिस जो हमने हिस्ट्री के बेसिस पे किया है, पेशेंट हमेशा इसमें यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा और एपिस्टेक्सिस, पर ये इसका इतना कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि ये और भी चीज़ों में हो सकता है। इसके साथ हम लोगों को यहाँ पे लोकल प्रूराइटिस, राइनोरिया, राइनाइटिस भी मिलेगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज विद कफ, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है तो पीछे ड्रेनेज हो रहा होगा नेजोफेरिंग्स में। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू कंटेमिनेटेड वाटर, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इंक्रीज टियरिंग एंड फोटोफोबिया इन केसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पेल्पेब्रियल कंजक्टाइवा। अब एग्जामिनेशन हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन से हमें पता चल रहा था कि कोई मलबेरी लाइक अपियरेंस है, उस पर वाइट डॉट्स है, वो इजिली ब्लीड कर रहा है, तो हम लोग का डायग्नोसिस थोड़ा सा राइनोस्क्लेरोमा की तरफ जाएगा। और जब भी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, कॉज पता नहीं है क्यों ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आइदर कैंसर होगा या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जब हमारी नेजल डिस्चार्ज के साथ साथ ब्लीड आ रही है तो हम लोग वैसे भी फंगल इन्फेक्शन है और उसको देखने की कोशिश करेंगे, पर अगर वो हमें मलबरी लाइक मास दिखा और उसके ऊपर वाइट डॉट है तो हम लोग फंगल इन्फेक्शन की तरफ जा सकते हैं। हम लोग वो जो डॉट्स होते हैं उनका बायोप्सी लेते हैं स्पोर्स, तो हमें उस पर स्पोर्स और स्पोरेंजियाज बहुत सारे दिख जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। अब ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल है और मेडिकल भी है। सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो मास है उसको एक्साइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो उसका बेस होता है वहाँ पे कॉटराइजेशन कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है वो मास पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है वहाँ से। बट सर्जरी करने की वजह से रीअकरेंस तो होता ही है, इसलिए हम लोग ने थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ देखा, तो डैप्सॉन हमको मिला जो कि डिक्रीज कर रहा था उसका रीअकरेंस रेट। अब हम पढ़ेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन। आप देख सकते हैं इस लेडी को इस पिक्चर में, इसके नोज़ के अराउंड ब्लैकिश कुछ आपको दिख रहा होगा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, आपको याद रखना है कि ब्लैकिश ऐसा कुछ नोज़ में दिख रहा है तो हो सकता है कि ये म्यूकोर माइकोसिस हो, पर एक रियल फंगल इन्फेक्शन है, इसलिए इससे पहले आप डायग्नोस करने से पहले आप और भी चीज़ों को डिटेक्ट कर लीजिए। अब म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक एग्रेसिव अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक दैट मीन्स कि ये उनमें होगा जिनका जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जो स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहे होंगे, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है जिनके अंदर, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ल्यूकेमिया, एड्स, लिम्फोमास, ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके अंदर हो सकता है। इस डिज़ीज़ को हमने एक राइनो सेरिब्रल इन्फेक्शन भी कहा है क्योंकि ये एक फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस का, राइजोफस ऑरिजियाई, वो एक इन्वेजिव फंगस है जो कि नोज से ब्रेन की तरफ जाता है और इन्फेक्शन कर सकता है। अब इसका पैथोजेनेसिस देखेंगे,
इसके स्पोर्स जो होते हैं हमें पर्टिकुलरली सॉइल के अंदर मिलते हैं, और वहाँ से वो सॉइल के अंदर से हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है और नोज़ को इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद जो साइनसेस और नोज़ है, नेजल कैविटीज़ है, उनसे वो ब्रेन की तरफ इजीली चला जाता है। और ये दूसरे फंगल्स फंगस से ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसकी एफिनिटी जो होती है ब्लड वेसल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एंडोथेलियल डैमेज और थ्रोम्बोसिस कर सकता है उस आर्टरीज़ में जिसको ये अफेक्ट कर रहा है, उस ब्लड वेसल को जिसको ये अफेक्ट कर रहा है। तो फंगस प्रोलीफरेट कर रहे हैं ब्लड वेसल्स में, वहाँ पे इनकी बहुत अच्छी एफिनिटी, इसलिए वो एंडोथेलियल डैमेज और थ्रोम्बोसिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और फर्दर नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है। तो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। अब म्यूकोरमाइकोसिस जो है उसमें जो डिज़ीज़ है वो हमेशा नोज़ और पैरानीजल साइनस से स्टार्ट होगी, और फिर वो ऑर्बिट क्रिबरीफॉर्म प्लेट मेनिंजस और ब्रेन की तरफ जाएगी। मेनिंजस ब्रेन की तरफ जाती है, इसलिए हम इसे राइनो सेरिब्रल इन्फेक्शन भी कहते हैं। राइनो जो कि नोज से रिलेटेड है और सेरिब्रल ब्रेन से रिलेटेड, तो राइनो सेरिब्रल इन्फेक्शन। म्यूकोरमाइकोसिस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आइकोस ने किस तरीके से अफेक्ट किया है, अब देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इरोजन ऑफ नेजल सेप्टम एंड हार्ट पैलेट मे बी सीन। हमको यहाँ पे जो है नेजल सेप्टम और हार्ट पैलेट का इरोजन भी देखने को मिल सकता है। बीच में सेप्टम भी ख़राब हो चुका है और साइड में लेटरल वॉल्स भी ख़राब है, अंदर हार्ट पैलेट भी ख़राब हो सकता है, वो भी पूरा इरोड हो सकता है। टिपिकल फाइंडिंग इसकी आपको याद रखनी है कि ब्लैक नेक्रोटिक मास सीन फिलिंग इन द एंटायर नेजल कैविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ब्लैक नेक्रोटिक मास और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कैसे करेंगे, साइनस में जा रहा है तो हम साइनस का रेडियोग्राफ कर लेंगे, जिससे कि हमको थिकन साइनस वॉल मिल जाएगा और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी मिलेगा साइनस की वॉल्स का, तो हमें उससे आइडिया लग सकता है थोड़ा। और एमआरआई कर लेंगे, एमआरआई से हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कोई भी वेस्कुलर और इंट्राक्रीनियल इन्वेजन का। अब ट्रीटमेंट के लिए हमको, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव टाइप है तो इसके लिए हमें सिस्टमिक ट्रीटमेंट यूज़ करना होगा। हम लोग इसमें सिस्टमिक एम्फोटेरेसिन बी यूज़ करेंगे। सर्जिकली हम लोग सर्जिकल डिब्रिटमेंट कर सकते हैं उस अफेक्टेड टिश्यूज़ का। अब ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन हम लोग उस कंडीशन में करेंगे जहाँ पे लॉस ऑफ विजन और ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो, मतलब जहाँ पे आई बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो वहाँ पे ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन करने की ज़रूरत है, हम लोग आई को रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ की। यहाँ पे दे रखा है कि एक 68 ईयर ओल्ड मैन है चंदू, जो कि डायबिटिक है, और उसने प्रेजेंट किया है ब्लैक फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम द नोज़। तो एक तो ब्लैक फोल स्मेलिंग हमें की पॉइंट मिल गया कि ब्लैक फोल स्मेलिंग है, दैट मीन्स म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, और डायबिटिक है दैट मीन्स वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी था, डायबिटिक है और वो उसका रिस्क फैक्टर है, वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये शायद हो सकता है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो। एग्जामिनेशन रिवील ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ इन्फीरियर टर्बिनेट। अब इसने इन्फीरियर टर्बिनेट को ख़राब किया है, वहाँ पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म कर देगा हमें म्यूकोरमाइकोसिस ही है ये। अब सेकेंड है कि IDDM पेशेंट, दैट मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट, जो कि सेप्टल परफोरेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स उसका सेप्टम पूरा ख़राब हो चुका है, परफोरेटेड है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन है वॉल सेप्टल वॉल का, और ब्राउनिस डिस्चार्ज मिल रहा है, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस ही होगा। अब आइडियल ट्रीटमेंट क्या है राइनोस्पोरिडियोसिस के लिए। राइनोस्पोरिडियोसिस जो था वो फंगल इन्फेक्शन था, उसमें हमने देखा था कि एक मलबेरी लाइक मास था और उसको हम लोग एक्साइज कर रहे थे और बेस का कॉटराइजेशन कर रहे थे उसके, ये हमारा आइडियल ट्रीटमेंट था, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट था, पर रिअकरेंस हो सकता है इसलिए हम डैप्सन देते हैं। पर हमारे यहाँ पे जो आंसर है उसमें जाएगा हमारा आंसर एक्सिजन विथ कॉटरी एट बेस, क्योंकि यहाँ पे आइडल ट्रीटमेंट बोला है तो हम आइडल ट्रीटमेंट तो यही यूज़ करते हैं। देन मेकुलिक सेल्स एंड रिजल्स बॉडीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हमें पता है मेकुलिक सेल्स और रिजल्स बॉडीज जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है राइनोस्क्लेरोमा का, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। राइनोस्क्लेरोमा को हम लोग मेकुलिक डिजीज और रेस्पिरेटरी स्क्लेरोमा भी कह रहे थे, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्ट कर रहा था, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस कर रहा था, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो राइनोस्क्लेरोमा होगा। एट्रोपिक ड्राई नेजल म्यूकोसा विथ एक्सटेंसिव इनक्रस्टेशन, यहाँ तक अगर हम पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा लगेगा कि हो सकता है ये एट्रोपिक राइनाइटिस हो,
पर हमने जब आगे पढ़ा विथ वुडी हार एक्सटर्नल नोज, तो हम श्योर हो गए कि वुडी हार एक्सटर्नल नोज जो होता है वो राइनोस्क्लेरोमा का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये राइनोस्क्लेरोमा ही हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।